क्वेश्चन फिफ्थ इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. एक सेट ए दिया हुआ है और इसका एलिमेंट है -1, 1. फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए. तो हमने ए क्रॉस ए का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, याद होगा आपको? ए क्रॉस ए का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए भी एक सेट होगा और इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, सच दैट ए बी सी तीनों ही किसको बिलोंग करते थे, सेट ए को. तो ये डेफिनेशन था. अब आइए सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं. ए क्रॉस ए जो आएगा उसका क्रॉस ए के साथ फिर से निकालेंगे. तो ए क्रॉस ए का क्या मतलब है, ए क्रॉस ए का क्या मतलब है, एक बार फिर से यहाँ पर ए लिख लो आप, निकाल लीजिए. चलिए -1, -1 पहले -1 को इसके साथ लोगे, फिर इसके साथ -1, -1 फिर -1, -1 और उसके बाद 1 की बारी आएगी, 1, -1, 1, -1 एंड 1, 1, 1. तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस ए. अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए सेट ए क्या है. सेट ए में आपके पास दो एलिमेंट है, कौन कौन से, -1, 1. अब फिर से हमको क्या करना है, हमको ए क्रॉस ए मतलब ये जो सेट आया है, देखो ए क्रॉस ए भी एक सेट है, तो इस सेट का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसके साथ. तभी तो हमको क्या मिलेगा, तभी तो हमको ए क्रॉस ए, ये फर्स्ट सेट है और भाई ए क्रॉस ए भी तो एक सेट होगा, इस सेट का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ए के साथ. तो कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है. इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के आएंगे, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब तीन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है. तो ध्यान से चेक करिए, इसका पहले करोगे आप इसके साथ, मतलब यहाँ से हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो था उसको उठा के इसके साथ करोगे, फिर इसके साथ करोगे, ठीक. तो इसको उठा के पहले -1 के साथ करो, तो क्या आ जाएगा, -1, -1, -1, ओके कॉमा. अब इसी को उठा के आप 1 से करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1, -1, 1. अब इसकी बारी, इसको उठा के हम करेंगे किसके साथ, इसके साथ फिर इसके साथ, यानी कि -1, -1, -1, -1. अब इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक. इसी तरीके से अब इसकी बारी, हम लेंगे 1, -1 को इसके साथ, तो आ जाएगा -1, फिर 1, -1, 1, -1, 1. ओके अभी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ जगह नहीं बची. अब इसकी बारी क्या, 1, -1, ओके कॉमा 1, 1, 1, 1, ठीक है. तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी निकालना सिखाया था. अब एक बार बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, एक क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, 2, तो 2 × 2 × 2 यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स आने चाहिए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज योर आंसर. और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए क्या, कि तीनों एलिमेंट ही किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को. ध्यान चेक कर लो, यहाँ से आप तीनों में से ए लो बी लो सी लो, ये सेट ए को ही बिलोंग करेंगे. ए लो बी लो सी लो, ये सेट ए को बिलोंग करेंगे. ए लो बी लो सी लो, ये सेट ए को ही बिलोंग करेंगे. ओके okay?